वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का टेक मास्टर के यूट्यूब चैनल पर। हम विंडोज सर्वर 2019 की सीरीज लेके चल रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई सारी वीडियो बनाई है हाइपर वी पे और वीएमवेयर के वर्क स्टेशन पे और एकल पर। लिनक्स के लिए भी बनाया हमने, सेंटोस के लिए भी बनाया हुआ हमने, कई सारी वीडियो बनाई है जो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं अगर आप लोग को लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है हमें। और अब जो हमारी सीरीज चल रही है विंडोज सर्वर 2K19 की सीरीज में, हमने इंस्टॉलेशन सर्वर का देखा था, कॉन्फ़िगरेशन देखा था, एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ग्रुप पॉलिसी। आज जो हम देखेंगे, हम ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करके देखेंगे। आज हम सिंपल सी एक वॉलपेपर पॉलिसी, सपोज ये कंपनी का कोई लोगो है और कंपनी चाहती है कि हमारे पास 200 यूजर हैं, सब पे वही सेम वॉलपेपर जो हमारा लोगो है वही सबके कंप्यूटर पे दिखे, तो उसके लिए हम एक पॉलिसी आज बनाएंगे। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा था, मैं एक बार फिर से ओवरव्यू दूंगा आपको। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर के अंदर गए थे हम। हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाया था, ये मेरा मेन डोमेन है computerslive.in। इसके अंदर मेरा एक ओयू है computerslive.ou, जिसके अंदर हमने तीन सब ओयू बना रखा है, IT, मुंबई HR, मुंबई सेल्स। ठीक है, अब हमें इन तीनों के जितने भी यूजर इन तीनों पे होंगे सबके कंप्यूटर पे एक वॉलपेपर पॉलिसी लगानी है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। हमें टूल्स पे क्लिक करना है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाना है। हम आ गए अपने फॉरेस्ट पर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारी हैं चीज़ें यहाँ पे, हम देखेंगे इनको बट वन बाय वन हम धीरे धीरे करेंगे इन सब पे काम। ये हमारा डोमेन है computerslive.in। इस पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। ये हमारा डोमेन है, यहाँ पे हम क्रिएट जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक हियर, क्रिएट जीपीओ करेंगे हम। इसका नाम देंगे वॉलपेपर, वॉलपेपर पॉलिसी। ओके करेंगे इसे हम, रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलपेपर पॉलिसी बन गई है। अब हम इसके अंदर चलेंगे। वॉलपेपर पॉलिसी के अंदर हमने नाम दे दिया, हम इसे क्लिक करेंगे अपने एक बार। ये देखिए आप लोग फ्रेंड्स, इसके अंदर अभी कोई भी पॉलिसी दिख नहीं रही है आपको। जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वो पॉलिसी भी दिखेगी कि अप्लाई किया हुआ हमने। क्लिक करेंगे हम अपनी वॉलपेपर पॉलिसी पे, इसे हम एडिट करेंगे। एडिट करेंगे हम अपने यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, पॉलिसी में, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको दिखाता हूँ एक बार दोस्तों, मैं वॉलपेपर पॉलिसी के ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर हम अपने computerslive.in डोमेन पे गए, यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने एक वॉलपेपर पॉलिसी बनाई। अब हम वॉलपेपर पॉलिसी के ऊपर राइट क्लिक करके एडिट पे जाएंगे। यहाँ पे हमें अपने यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉलिसीज, पॉलिसीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, इसके अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप। अब देख सकते हैं ये हमारी पॉलिसी है, ये इतनी पॉलिसी है, सब नॉट कॉन्फ़िगर है। आप देख सकते हैं कोई भी अभी कॉन्फ़िगर है नहीं।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी पॉलिसी जो है यहाँ पे इनेबल एक्टिव डेस्कटॉप, डिसेबल एक्टिव डेस्कटॉप, डेस्कटॉप वॉलपेपर, देख रहे हैं आप लोग। इसको हम क्लिक करेंगे, ये देखिए नॉट कन्फिगर्ड है, यहाँ पे हम इसे इनेबल करेंगे। अब जो हमारा फोल्डर था, जो हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा था, हम उस फोल्डर पे चलते हैं एक बार। इसके लिंक को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसे। और मॉडल क्या रखना चाहते हो आप, हम स्टेसी रखते हैं अधिकतर, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो कमेंट में कि वॉलपेपर पॉलिसी है, किस किस के लिए है। आप अप्लाई करेंगे इसको, ओके करेंगे, देखिए इनेबल हो चुका है। कमेंट में हमने कुछ नहीं लिखा था इसलिए नो दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। जब हमने इसे कंप्लीट कर दिया, क्योंकि हमने पहले से जो फोल्डर शेयर फोल्डर बनाया था उसके, अब जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारा एक फोल्डर है वॉलपेपर के नाम से, ये शेयर फोल्डर है, ये कोई नॉर्मल फोल्डर नहीं है, इसे हमने शेयर कर रखा है एवरीवन के लिए। इसके अंदर ये जो वॉलपेपर है इसके लिंक को हमने कॉपी किया था, अब इसके अंदर जो चीज़ है वो दिख जाएगी आपको कंटेंट में, ठीक है। तो हमारा एक जो पॉलिसी बनानी थी, हमें पॉलिसी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसे एक बार कैंसिल करेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे इसे। अब अपने इसके अंदर हम एक बार क्लिक करके देखते हैं, अब हम अपने कंप्यूटर्स लाइफ के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीयू। अब यहाँ पे वॉलपेपर पॉलिसी है तो सबके ऊपर लग जाए, क्योंकि मैंने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के ऊपर ही लगा रहा हूँ, ओके करेंगे तो सब पे लग जाएगी। देखिए अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए कंप्यूटर्स लाइफ के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही पूरा लग चुका है। ये सारे डिटेल्स हैं इसमें, क्या लगा रखा है हमने, इनेबल कर रखा है। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर वॉलपेपर की पॉलिसी लगी थी, वॉलपेपर आप देख रहे हैं सेटिंग के अंदर, ठीक है। ये स्कोप है सारे, अभी हमारा वॉलपेपर की पॉलिसी लग गई है। इस वीडियो में हमने अभी अपने ऊपर वॉलपेपर के ऊपर पॉलिसी लगाई है। नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि वॉलपेपर पॉलिसी को अप्लाई, यूजर के ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं। हम इसे अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने डोमेन के जो कंप्यूटर हैं उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, उसके अंदर यूजर रखेंगे एक दो, और यूजर को लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या ग्रुप वॉलपेपर की पॉलिसी लगी हुई है या नहीं। और दूसरा एक अदर एक ग्रुप पॉलिसी हम और बनाएंगे जो कि हाइड करेंगे कंट्रोल पैनल को, तो वो भी देखेंगे हम नेक्स्ट टाइम। और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमारा मेन पर्पज था कि हम वॉलपेपर पॉलिसी बनाते कैसे हैं, तो आप लोगों ने देखा।
बनाया मैंने, इसको लिंक किया अपने कंप्यूटर लाइव ओयू से, और यहाँ पे सेटिंग में देखेंगे सारी डिटेल, या डिटेल में भी देखेंगे शायद आना चाहिए, इनेबल हो चुकी है ये, सेटिंग में देखेंगे तो ये वॉलपेपर का नाम, जो नाम है, जो इनका पाथ है, वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, सर्वर शेयर क्रॉप डॉट जेपीजी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे हम क्लोज स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उसके बाद हम कुछ एक अलग ग्रुप पॉलिसी देखेंगे और अप्लाई करके भी उनको देखेंगे, यूजर्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।